हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं आप सब लोगों के लेकर ले आई हूँ चावल की खीर की रेसिपी, जो सबको बहुत ही पसंद आती है। चावल की खीर में ना तो बहुत समय लगता है बनाने, बहुत ही जल्दी बन जाती है। चलिए अब रखते हैं गैस पर कढ़ाई। अब मैं डालूँगी इसमें 1 चम्मच देसी घी, जिससे मैं चावल को भूनूँगी। इसको मीडियम आंच पर ही भूनूंगी गुलाबी होने तक। मैंने बासमती चावल लिया है, आप चाहें तो खिचड़ी वाला चावल भी ले सकते हैं या टूटा हुआ भी ले सकते हैं, जो आपके पास हो। और लेकिन इसकी एक ट्रिक बताऊंगी मैं बनाने की, ये किस तरह से बनाई जाएगी, बहुत ही टेस्टी लगेगी अगर आप उस तरह से एक बार बना के देखेंगे तो। इस चावल का टेस्ट भी अच्छा आएगा। चलिए अब भूनते हैं ड्राई फ्रूट्स। इसमें डाल रही हूँ मैं घी। कढ़ाई गरम हो गई है, पहले मेवे बादाम को भून लेते हैं। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप जो चाहें वैसे जो ले सक लेना चाहें वो ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनको कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से करेंगे तो खीर में क्रंचीपन आ जाएगा, जो खाने बहुत ही टेस्टी लगेगी। मैंने 8 से 10 काजू लिए हैं, आप चाहें तो टूटा काजू भी ले सकते हैं। और चावल की खीर तो त्योहारों पे बहुत ही कंपलसरी होती है। अब तो दिवाली भी आ रही है, फिर नव दुर्गे भी आ रहे हैं, जब कन्याओं को घर पर खिलाते हैं तो खीर ज़रूरी बनाते हैं। इसलिए खीर तो बहुत ही ज़रूरी है चावल की, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। देखिए मैं चावल को मिक्सी में ग्राइंड कर ले रही हूँ, मैं इन्हें हल्का भून लिया था मैंने। देखिए ये इस तरह से मैंने दरदरा कर लिया है चावल, इससे बहुत ही अच्छी लगेगी खीर, बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा समय नहीं लगता इसे बनने में। मैं 2 गिलास दूध डालूंगी, अगर नाप से देखा जाए तो ये आधा किलो दूध है। आप चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं या कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। सिर्फ मैं इसको मीडियम आँच पर ही इस तरह से बनाऊँगी, बहुत जल्दी बन जाएगी। देखिए इतनी अच्छी तरह से बन गई है ये, और गाढ़ापन भी इसमें आ गया, इसमें कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया है। मैं चीनी नहीं डाल रही, मैंने पिछली रेसिपी में भी बताया था खीर की में कि मैं चीनी नहीं डालती, मैं मिश्री डालती हूँ। और इसको एक बार मिश्री के घुलने तक मैं चलाऊँगी इसको। देखिए ये इस तरह से हो जाएगी और बहुत ही रबड़ीदार टेस्टी खीर बनेगी। आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। देखिए मैं ये कच्चा गोला डाल रही हूँ, आप चाहें तो सूखा गोला भी डाल सकती हैं, स्किप भी कर सकते हैं। जब तक मैं खीर में ड्राई फ्रूट्स नहीं हो तो मज़ा ही नहीं आता है, खीर ड्राई फ्रूट्स से ही काफ़ी टेस्टी लगती है। देखिए इस तरह से बन गई है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और बनाकर ज़रूर देखिए आप इस तरह से कि कैसी लगी है आपको ये खीर। बहुत ही जल्दी बन गई है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को बहुत पसंद